नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत परिवार, जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो सामाजिकता का गुण जन्म के बाद परिवार में सीखता है। जीवित रहने के लिए उसे अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। भोजन, वस्त्र और आवास मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। कुछ और आवश्यकताएं भी हैं, जिनमें राजनीति, साहित्य, कला, धर्म आदि को लिया जा सकता है। और इनकी पूर्ति जो है मानव तभी कर सकता है जब वह किसी समूह का सदस्य बने। समाज में अनेक सामाजिक समूह है जो अनिवार्य और ऐच्छिक है, जिनमें परस्पर संबंध होते हैं। परिवार एक ऐसी अनिवार्य सामाजिक संस्था या समूह है जो सभी समाजों में अनिवार्यता पाई जाती है। इसकी सदस्यता अनिवार्य है, जबकि कुछ संस्थाएं जैसे राजनीति, व्यवसाय आदि ऐच्छिक संस्थाएं हैं, जिनकी सदस्यता ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। बच्चों, वास्तव में परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है और सामाजिक संस्था के रूप में यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक व सुरक्षात्मक अनेक कार्यों का संपादन करता है। परिवार नए सदस्यों को जन्म देकर उनका समाजीकरण करता है। समाज के निर्माण, स्थायित्व, व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, संतुलन, सामाजिकरण, स्तरीकरण एवं निरंतरता आदि के लिए परिवार का महत्व अनिर्वचनीय है। बच्चों, यदि कोई सामाजिक संगठन, संरचना और व्यवस्था, कार्य आदि को समझना चाहता है तो उसे परिवार को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना होगा, क्योंकि अनेक समाजों की सामाजिक संरचना की मूल इकाई परिवार ही है। आंकेटक समाज, चरागाही समाज, गिरिजन समाज, आदिम समाज और ग्रामीण समाज सभी की सामाजिक संरचना की मूलभूत इकाई एकाकी परिवार होती है। इसी से अन्य छोटी बड़ी उपसंरचनाएं जैसे संयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र समूह, भ्रातृदल, उपजातियां, जनजाति समाज और ग्रामीण समाज आदि निर्मित होते हैं। नगरीय समाजों में सामाजिक संरचना का निर्माण परिवार अर्थात प्राथमिक समूह और समितियों अर्थात द्वितीयक समूह से होता है। समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्री अध्ययनों में परिवार के अध्ययन का स्थान विशेष होता है। और यदि हम संगठन की मौलिक इकाई आदिम समाज को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम परिवार को समझना आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि आदिम, ग्रामीण और नगरीय समाजों में परिवार ही अनेक सार्वभौमिक परंपरागत कार्य करता है। इसके पश्चात अब हम परिवार का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और ये शब्द कैसे बना है। तो बच्चों, परिवार अंग्रेजी के शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है, जिसका उद्गम लेटिन शब्द फैमिलिया से हुआ है। परिवार के अनेक अर्थ लगाए जाते हैं और समाजशास्त्र में परिवार की अवधारणा का विशिष्ट, सुनिश्चित और सीमित अर्थ लगाया जाता है। परिवार को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। इनकी परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। इसमें बोलो, सबसे पहले
हमारे समाजशास्त्री हैं मेकाइवर और पेज के अनुसार, वो परिवार की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इसमें तीन लक्षण भी बताए हैं। नंबर एक, परिवार यौन संबंध पर आधारित समूह है। दूसरा, बच्चों का जन्म। और तीसरा है बच्चों का पालन पोषण। परिवार इन लक्षणों के अतिरिक्त और बहुत कुछ है, जैसे आवास, उत्तरदायित्व, स्नेह, कर्तव्य आदि। दूसरे समाजशास्त्री हैं ओगबर्न तथा नेमकोक। इसके अंतर्गत परिभाषा इस प्रकार से है, बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित एक थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं। इन्होंने एक और सरल तथा परिभाषा दी है, वह निम्न है कि परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो या नहीं हो। परिवार किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले का भी हो सकता है, बशर्ते कि उसके अपने बच्चे साथ हो। तीसरी जो समाजशास्त्री परिभाषा है वह है डेविस के अनुसार, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति सगोता के संबंध अर्थात रक्त रखते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी भी होते हैं। इसके पश्चात डीएन मजूमदार कहते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं तथा स्थान, हित तथा पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर समान होने की भावना रखते हैं। अगले समाजशास्त्री थॉमस, वो कहते हैं कि परिवार से हम संबंध की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच पाई जाती है। श्यामाचरण दुबे कहते हैं परिवार के बारे में कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है, उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। मुर्डाक मोहते करते हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के वयस्क शामिल हैं जिनमें से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन वयस्क व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। इसके बाद अगले समाजशास्त्री है लूसी मेयर के अनुसार, परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उसकी संतान रहती है। अगले समाजशास्त्री हैं बर्गेस और लोक के अनुसार, वो परिवार के बारे में परिभाषा इस प्रकार से देते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित है, एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में परस्पर अंतःक्रियाएं करते हैं अथवा अपने अपने सामाजिक कार्यों के रूप में एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद हमारे समाजशास्त्री एडी रोस, उनकी परिभाषा इस प्रकार से है कि परिवार की समाजशास्त्री परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो एकाकी तथा संयुक्त दोनों ही प्रकार के
परिवारों को परिभाषित कर सके। इतना ही नहीं, संयुक्त परिवार के भी अनेक प्रकार हैं, उनको भी परिवार की परिभाषा में समेटना चाहिए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर रोस ने परिभाषा इस प्रकार बताई है कि परिवार मनुष्यों का एक समूह है, सामान्यतया एक विशेष प्रकार के बंधुत्व संबंध से संबंधित होते हैं, जो एक गृहस्थी में रह भी सकते हैं और उनकी एकता कर्तव्य और अधिकार भावना और सत्ता के प्रतिमानों में विद्यमान है। इसके पश्चात बच्चों, अब हम परिवार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है, परिवार एक समूह है। सभी ने परिवार को एक समूह बताया है, लेकिन परिवार एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य बंधुत्व संबंधों से संबंधित होते हैं। दूसरी विशेषताएं हैं, संबंध मान्यता प्राप्त होते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह, रक्त और गोद संबंधों से संबंधित होते हैं। विवाह, रक्त और गोद संबंध होना सब कुछ नहीं है, उनका समाज के प्रतिमानों जैसे जनरीति, प्रथा, संस्था, कानून और धर्म आदि के द्वारा मान्य होना आवश्यक है। तीसरी परिभाषा है, विवाह संबंध, ये भी इसकी विशेषता कहलाती है। परिवार में पति पत्नी के संबंध विवाह द्वारा स्थापित होते हैं और मुरडाक महोदय ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है लेकिन उनके संतान पैदा हो जाती है तो समाज ऐसी संतान को अवैध संतान मानता है, जिससे अपने जीविके पिता की संपत्ति तथा अन्य बातों में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए परिवार का निर्माण विवाह संस्था द्वारा होना आवश्यक है। इसकी चौथी परिभाषा है, रक्त संबंध। इसके अंतर्गत परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं, परंतु इन रक्त संबंधियों का संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना भी अति आवश्यक है। जैसे अवैध संतान रक्त संबंधी होते हुए भी सामाजिक या कानूनी दृष्टि से संबंधी नहीं होती है। पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन रक्त संबंधी एकाकी परिवार में मिलते हैं तथा ये प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं। और एकाकी परिवार में पति पत्नी ही केवल ऐसे वैवाहिक संबंधी है जो प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं, बाकी सब प्राथमिक संबंधी रक्त संबंधी भी होते हैं। पांचवा विशेषता है, गोद संबंध। इसके अंतर्गत समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। जब किसी दंपत्ति के कोई संतान पैदा नहीं होती है तो वह किसी अन्य दंपत्ति कोई संतान समाज द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों के अनुसार गोद ले लेते हैं। गोद का दस्तूर पूरा होने पर संतान के अपने जैविकीय माता पिता से सामाजिक और कानूनी संबंध समाप्त हो जाते हैं और जिस दंपत्ति ने संतान गोद ली है उनके सारे कानूनों, सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, नैतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसकी छठा विशेषता है, परिवार की संरचना। परिवार के दो पक्ष हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। पहले हम संरचनात्मक पक्ष की विवेचना करेंगे। परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों द्वारा बनती है और एकाकी परिवार की संरचना में पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें होती है। संयुक्त परिवार में इनके अतिरिक्त और संबंधी भी होते हैं, बनती है। कितने पॉइंट हो गए थे? 5 मिनट शुरू में। इसके पश्चात इसके में एकाकी परिवार की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवार के सदस्य परस्पर बंधुत्व अथवा नातेदारी संबंधों से संबंधित होते हैं और समाजशास्त्र की सबसे छोटी इकाई समूह है।
और उसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इस प्रकार परिवार मनुष्यों का समूह है, उसमें कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो उपर्युक्त बंधुत्व संबंधों, विवाह, रक्त और गोद से संबंधित हो। इस प्रकार जहाँ केवल पति पत्नी मिलकर परिवार बना देते हैं वह एकाकी परिवार कहलाएगा। इसके कई संरचना प्रकार हो सकते हैं, जिसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन आदि। परिवार के निर्माण में वैवाहिक अथवा रक्त अथवा गोद संबंधों का होना आवश्यक है। सातवां बिंदु है विशेषताओं का प्रकार्यात्मक पक्ष। परिवार का दूसरा पक्ष प्रकार्यात्मक है। सामाजिक मानव शास्त्र दृष्टिकोण से परिवार का प्रकार्यात्मक पक्ष विशेष महत्वपूर्ण है। कई विद्वानों ने परिवार के सदस्यों का साथ साथ रहना आवश्यक बताया है, जबकि समाज शास्त्र दृष्टिकोण के अनुसार अगर कुछ व्यक्ति बंधुत्व संबंध संबंधित हैं और अलग अलग रहते हों, परंतु वे कर्तव्य और अधिकार, भावना एवं सत्ता के प्रतिमान से संबंध है, तो वह एक संयुक्त परिवार कहलाएगा। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परिवार व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट बंधुत्व संबंधों जैसे विवाह, रक्त और गोद से संबंधित होते हैं, जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और वे साथ साथ अथवा अलग अलग भी रह सकते हैं। सदस्यों में परस्पर यौन संबंधों की व्यवस्था, प्रजनन, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, कर्तव्य और अधिकार, भावना एवं सत्ता प्रतिमान आदि से संबंधित संबंधता होती है। तो बच्चों, आज हमने परिवार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।